नमस्कार दोस्तों, साइंस ऑफ तंत्रा के एस्ट्रो स्टॉक मार्केट में मैं राजेश गोस्वामी आप लोगों का स्वागत करता हूं। पहले डिस्क्लेमर, हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी चाहे 90% से भी ज़्यादा सही जाती हो, पर उन्हें अपने स्टॉक्स में अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह के प्रॉफिट या लॉस की जिम्मेवारी नहीं लेता है, और यही सेम डिस्क्लेमर दोस्तों हमारी पेड सर्विस पे भी लागू होता है। जो भी व्यूवर्स हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर उन्हें हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी सही और सटीक लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक्स भी करें दोस्तों। और अगर आप भी हमारी पेड सर्विस के साथ जुड़ना चाहते हैं और बढ़िया प्रॉफिट्स करना चाहते हैं हमारे पेड मेंबर्स की तरह, तो ईमेल कर सकते हैं 9991005950@gmail.com पर। निफ्टी बैंक निफ्टी गोल्ड सिल्वर डाउन एसडेक के प्रिडिक्शंस अवेलेबल हैं। सब में पोजिशनल काम करवाते हैं, सिर्फ निफ्टी के अंदर हम इंट्राडे एंड पोजिशनल दोनों काम करवाते हैं दोस्तों। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है। और एक और हमारा चैनल है बाप ऑफ मार्केट के नाम से, आप वहाँ पर पूरे वीक का जो है प्रिडिक्शंस देख सकते हैं। हम वहाँ पर एडवांस में पोस्ट कर देते हैं पूरे वीक का, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इस वीक का भी जो हमने प्रिडिक्शंस उसमें डाला था, उसमें जो हम 90% एक्यूरेसी बताते हैं, उसी एक्यूरेसी के साथ मार्केट ने मूव किया है, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, आज जैसा कि हमने आप लोगों को कहा था कि मार्केट सलून राइज रहेगा, तो ओपन में मार्केट जो है बेशक तेज़ खुला हो, जैसा कि हमने अपने बाप ऑफ मार्केट में कहा था कि शुक्रवार को तेज़ रह सकता है मार्केट, तो ओपन मार्केट ने बेशक तेज़ किया हो, पर वहाँ से आप लोगों ने देखा होगा कि एक सेलिंग ही आई है। तो अगर वहाँ पर आप लोगों ने सेल किया होगा तो आपको प्रॉफिट्स होने की पूरी पूरी संभावना, जैसे मैंने कहा था, या प्रॉफिट हुई भी होगी, प्रॉफिट हुए होंगे बढ़िया वाले। तो दोनों चैनल्स को आप देखिए, आपको जो है काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। और फिर भी अगर आप समझ नहीं पाते हो तो आप हमारी पेड सर्विस के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, 10,000 rupees पर मंथ, एक्यूरेसी 90% एंड अबव, विद डिस्क्लेमर ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हम आपको काफ़ी सेफ खेल खिलाने की कोशिश करते हैं हेज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको और थोड़ा एक्यूरेट प्रिडिक्शंस देने की, तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आप चाहते हो कि मैं गैप अप गैप डाउन भी प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जैसा कि मैं करता नहीं हूँ गैप अप गैप डाउन की, लेकिन एक संभावना बता सकता हूँ कि भाई ऐसा हो सकता है, तो आप उसके लिए चाहते हो कि ऐसी इस प्रकार के प्रिडिक्शंस आपको मिले, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें वीडियोस को। आइए अब हम बात करते हैं कि सोमवार को मार्केट क्या रह सकता है। तो ऐसी संभावना है दोस्तों कि सोमवार को जो है मार्केट थोड़ा बहुत नेगेटिव ही ओपन होगा, और नेगेटिव ओपन होने के बाद मार्केट में एक अपसाइड मूव आ सकता है, उस मूव को आप सेल करके ही चलो दोस्तों। क्योंकि पोजिशनली मैं, जैसा मैंने कहा कि मैं सलून राइज में ही हूँ, बट हेज के साथ, तो संभावना ये है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी डाउ जोन्स में भी और करेक्शंस बाकी है, तो एक छोटी सी रिकवरी थी, वो रिकवरी आई है मार्केट के अंदर, पर उसे बेस मान के मार्केट अपना भी तेज हुआ है दोस्तों। तो और फिर ऊपर का लेवल रिटेस्ट भी कर लिया मार्केट ने, तो डबल टॉप एक तरह से बन चुका है, तो यहाँ से मार्केट के अंदर वापस सेलिंग आने की संभावना है, और वो इंटरडे के अंदर आज आई भी है दोस्तों। तो सोमवार के दिन हमारा जो प्रिडिक्शन है वो ओपनिंग जो है नेगेटिव हो सकती है मार्केट की, लेकिन ओपन होने के बाद मार्केट में एक अपसाइड मूव आ सकता है, उस मूव को भी आप सेल करके चलो, आपको प्रॉफिट होने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों। अगर आप इसी प्रकार की प्रिडिक्शंस इंटरडे बेसिस पे भी चाहते हो तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों।
इस वीडियो के ऊपर मैं आप लोगों को 200 का टारगेट दे रहा हूँ, 200 लाइक्स करें ताकि मैं इसी प्रकार की आपको इंट्राडे बेसिस के ऊपर वीडियोस दूँ। हमें और हमारे चैनल को आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और उससे भी अधिक प्यार आप लोगों ने हमारी पेड सर्विस को दिया, उसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।